ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम अभिषेक है, मुझे ब्लड कैंसर था स्वामी जी, और मैं टाटा में एक महीना तक रहा। वहाँ पर डेली मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के ब्लड और प्लेटलेट चढ़ता था मुझ पर। एक एक दिन छोड़ के? हाँ, एक एक दिन ब्लड चढ़ता, प्लेटलेट चढ़ता था, इतना घट जाता था, इतना घट जाता था, पूरा शरीर खा जाता है, बॉडी बॉडी के खिलाफ काम करने लगती, आत्मघात हो जाता है भीतर। और यहाँ पर मैं 12-13 दिन से हूँ, मेरा एक भी ब्लड चढ़ा भी नहीं और प्लेटलेट्स भी नहीं चढ़ा। लो, एक दिन भी ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो खतरनाक कंडीशन से आया हुआ। स्वामी जी, मेरा कैंसर भी 54% ठीक हो गया। लो, कैसे पता लगा तेरे को 50% अच्छा हो गया? वो डॉक्टर बोले कि अभी आपका जो ये रिपोर्ट देखकर बोले कि अभी आपका 40-50% ठीक है। लो अभिषेक, तो बेटा फिर तो ऐसा करे, महीने भर यही जमा रहे, तेरी मदद कर देंगे जो भी मदद होगी। इधर आ। दूसरे दिन प्लेटलेट और ब्लड चढ़ाना पड़ता था, 13-14 दिन से यही जमा हुआ है और कोई प्लेटलेट चढ़ाने नहीं पड़ रहे, कोई ब्लड चढ़ाने नहीं पड़ा और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं ब्लड कैंसर के पेशेंटों को भी डरने की जरूरत नहीं, और उनको क्या कराते हैं एलोपैथी वाले, ब्लड चढ़ाते हैं, प्लेटलेट चढ़ाते हैं और वो फिर बाद में आदमी की मौत तक हो जाती है। भाई ये सब चेंज करने में, ब्लड चेंज करने में, तेरा ब्लड चेंज नहीं किया था स्वामी जी? मुझे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोल दिया था। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाए? नहीं करवाया, यहीं पर मेरा तो विश्वास था। 2006 से जब आप धनबाद गए थे उस समय से मेरा विश्वास है, मुझे तो यहीं पर आना। तो ब्लड कैंसर हुआ कैसे तेरे को? ब्लड कैंसर नहीं पता, वो डॉक्टर बोले कि अभी तो आपको हम नहीं बोल सकते। क्या करते थे? पढ़ाई करते? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे थे? मेरा हीमोग्लोबिन 4 था, अभी 9 से ऊपर हो गया। लो, 9 से हीमोग्लोबिन। और प्लेटलेट? प्लेटलेट पहले 30,000 था, अभी 1,30,000। तो ये जो अभी मैं बोल रहा था तू ही है वो अभिषेक। चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। 3.4 था हीमोग्लोबिन, जो 9 हो गया है, प्लेटलेट 30,000 थे, अब 1,30,000 है। और कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ 13-14 दिन हो गया। 13 दिन हो गए, तेरहवीं कर दी इसने। ये रिपोर्ट स्वामी जी मेरा 4 दिन में ही आ गया था। ये जो 4 ही दिन में आ गया था, वो तो बाद में करवाए नहीं, अभी तो और में बढ़ गया होगा। ये लो, तेरा तो जोरदार फायदा हो गया बेटा। जी स्वामी जी। क्या करते माता पिता? मेरे पिताजी प्राइवेट में नौकरी करते हैं। माँ गृहिणी। अब इससे इधर, अब 13-14 दिन तो रुक गया, अब तेरा आगे 15 दिन और रुक जा, आगे तेरे 15 दिन की व्यवस्था पतंजलि की तरफ से कर देते जा। हाँ, इसका करवा देना भैया, पूरा अच्छा होके जाना। अभी चाह रहा, अब उम्र कितनी बेटा? 27 साल की उम्र है, ब्लड कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मुझे तो एक आदमी अच्छा मिला नहीं धरती के ऊपर, फिर मरते ही हैं बेचारे। कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे जा, खुश रह, जा खुश बेटा। अब ये बालक जो 3.4 हीमोग्लोबिन लेके आया था, 4 ही दिनों में 9 हीमोग्लोबिन और 30,000 से 1,30,000 प्लेटलेट, और पूरा अंदर से देखो, एक तो यहाँ के वातावरण का असर पड़ता है, इसको हल्की में मत लेना। Thank you.